उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभागार में उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित कार्यक्रम को समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि महाविद्यालयों के द्वारा अधिक से अधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों में मतदान एवं ईवीएम तथा वीवीपैट की जानकारी दिया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में वीवीपैट ईवीएम के भ्रमों को दूर किया जा सकता है। इस दौरान क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 17 मई को सभी महाविद्यालयों शिक्षण संस्थाओं के मुख्य द्वार पर मतदान संबंधी होर्डिंग बैनर लगवाना, मतदान संबंधी स्टिकर छोटे पोस्टर चिपकवाना, मतदाता साक्षरता क्लब, रन फॉर वोट का आयोजन, नुक्कड़ नाटक, मानव श्रृंखला का निर्माण, रैली सेल्फी पॉइंट का निर्माण, ईवीएम एवं वीवीपैट की जानकारी देने, मतदाता शपथ समारोह संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर अभियान, वॉल ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना एवं हस्ताक्षर, टोल फ्री नंबर 1950 का प्रचार प्रसार, क्षेत्र का भ्रमण एवं मतदाता चौपाल का आयोजन, भाषण निबंध प्रतियोगिता, लोकगीत स्लोगन कविता प्रतियोगिता, रंगोली पेंटिंग पोस्टर प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 24 अप्रैल को क्विज प्रतियोगिता, 30 अप्रैल को भाषण निबंध प्रतियोगिता, 4 मई खेलकूद का आयोजन, 10 मई को प्रातः 6 बजे से रीजनल स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉलेज द्वारा आयोजित वॉक क्रॉस कंट्री रेस में प्रतिभाग, 15 मई नुक्कड़ नाटक राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा, 16 एवं 17 मई को राष्ट्रीय सेवा योजना एनसीसी रोवर्स रेंजर्स के स्वयंसेवकों द्वारा गांव मोहल्ला में जाकर ईवीएम एवं वीवीपैट की जानकारी दिया जाएगा। टाइम देते आपको तो आप शायद उसको ना कराते, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना आप अपना भी डाल दें, इसके डेट पड़ जाएगी तो चाहे तो लगवा सकते हैं और उससे हमारा प्रचार प्रसार होगा। तो सभी लोगों को मैंने बता दिया, सबके यहाँ मतदाता साक्षरता क्लब का गठन हो चुका है। अगर मैं और क्यों गठन नहीं करना है, उसको आपको एक्टिवेट करना है, जो उसका दायित्व है उसके दायित्व का उसको निर्वहन करना पहली चीज। दूसरी था कि आप तो अपने शिक्षा संस्थानों के बाहर एक होर्डिंग जरूर लगवा दें, इनके नीचे आप जो है पक्की होगी उस पर आप अपने महाविद्यालय का नाम या अपनी संस्था का नाम लिखवा सकते हैं और सौजन्य से लिखवाएंगे और वही होर्डिंग होगी जो हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में आपके मैं उस पर डाल दूंगा, उसी तरीके से लगवाएगा होर्डिंग। सभी लोग अपने अपने महाविद्यालयों के बाहर एक एक होर्डिंग कम से कम जरूर लगवा दें। इस क्षेत्रीय गतिविधियों का काम देख रहा हूँ, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। हमारे मुख्य निर्वाचन लालच के वोट देना है, कुछ भी उन्हें लालच दी जा रही है तो उस लालच से विमुख होकर उनको अपने दायित्व का निर्वहन करना है। तो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब सभी संस्थाओं में गठित किए जाने हैं, एक आपको अपने कॉलेज का एम्बेसडर भी नियुक्त करना है किसी छात्र को, और आप लोगों को बैठ के करके जो आपके छात्र हैं जो 17 साल के हैं जो 18 साल के हो गए हैं उनको सबको गाइड करना है कि निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है। और इस बार जो एक नया कमीशन ने एक मशीन वीवीपैट के नाम से जोड़ी है, ये सिंपल प्रिंटर है, ये बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच में लगा दी जाती है। तो जब बैलेट यूनिट का कोई मतदाता बटन दबाता है जिसे उसे मत करना है तो वही क्रमांक और वही उसका प्रत्याशी का नाम और आगे जो खड़ा हो रहा है कैंडिडेट और उसका चुनाव चिन्ह, ये तीनों चीजें उसको एक वीवीपैट प्रिंटर में जाएगी सिग्नल, तो वो पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी। सिर्फ वो मतदाता जानेगा कि हमने जिसको दिया था वही पर्ची इस मशीन में छप के आई है और यही पर्ची की सूचना कंट्रोल यूनिट में जाके दर्ज हो जाएगी। लास्ट डेट तक अभी होता है और आपने 7-2 साल से ये सर्कुलर चल रहे हैं, जो अभी तक कार्रवाई की हो उसे अपना अपना बुलेट पॉइंट्स में लिख लीजिएगा, परसों उसमें आमंत्रित भी किया जाएगा। तो एक जो वक्ता से वो पूछ भी सकते हैं कि ईएलसी क्लब के कौन कौन लोग यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने क्या क्या अपने यहाँ किया है, इस पर आप लोग जब बोलेंगे तो उनका ये मुख्य स्ट्रेस है कि हमारा मतदाता किसी प्रकार से प्रभावित होकर वोट ना दे, अपनी स्वतंत्र चेतना से जो उनको ठीक लगे वो अपना मतदान करे। तो कब कब बैठकें की गई है, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह आपके पास हो तो ले आइएगा और उसमें आप लोग सभी आमंत्रित रहेंगे। और आप यहाँ आपको यही शुभकामनाएं है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसका पता कि उसके लिए हमें वोट डालना भी पड़ चुकी है, तो आपके मीटिंग में तो प्लीज आपको गठन कर लें और उसकी सूचना हमें तत्काल दे दें, ये मतदाता साक्षरता क्लब का गठन किया जा चुका है।